नमस्कार, आपका स्वागत है यानिति के YouTube क्लासेस में। पिछली बार क्या था कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम कुछ कुछ टर्म्स पढ़े थे, और ये जो चैप्टर है हम किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, किसको ध्यान में रख के, वो है SSC बैंकिंग और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के हम इसमें पढ़ रहे हैं। जिसमें कि हम शुरुआत में क्या बोले थे कि हम SSC को ध्यान में रखते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे, देन आफ्टर फिर हम जो भी क्वेश्चंस 5-6 आते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस के, उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बैंकिंग में, फिर उसको ध्यान में रखते हुए भी लास्ट में पढ़ेंगे। शुरुआत में क्या है कि हम इसका जो है थ्योरेटिकल नॉलेज पहले गेन करेंगे, उसके बारे में आपको हम अच्छे से बता देंगे, और उसके बाद फिर जो है हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड करेंगे, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरह से अटेम्प्ट लेना चाहिए। पहले हम इसके कंसेप्ट के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग हम पढ़े थे, ओके। इसी रिगार्डिंग हम पिछला जो लेक्चर था, पिछला जो क्लास था, उसमें हम यही पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि कोई पॉलिनोमियल, हमने क्या पढ़ा था, कोई भी पॉलिनोमियल जो डिग्री 2 होता है, जिसका पॉलिनोमियल का डिग्री, उससे हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि उसका जनरल इक्वेशंस क्या होता है, जनरल इक्वेशंस का क्या होता है, ax2 + bx + c। फिर इसके रिगार्डिंग हम ये देखे थे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके कि एग्जाम्पल्स किस किस तरह के हो सकते हैं और वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। इवन हमने ये भी देखा था कि वो पॉलिनोमियल उसको कंसीडर कर सकते हैं या उससे पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर सकते। अगर इन चीज़ों के बारे में जानना है तो आप इस क्लास के पीछे क्लास को आप एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं, ओके। और उसके बाद फिर हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि उसके रूट्स कितने होते हैं। तो हमने जाना था कि जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होता है, उसके पास नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, इसके डिग्री कितना है, तो वो हम जाने थे 2। डिग्री क्या होता है वो भी मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, और 2 डिग्री हैं इसलिए इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। दूसरा हम क्या पढ़े थे कि इसी अल्फा बीटा को हम इसमें सेटिस्फाई करवा सकते हैं, जो रूट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जब मैं एक्स की जगह अल्फा पुट करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा और वो अल्फा इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा क्या है, एक्स बराबर बीटा जब पुट करेंगे, तो जब इसमें एक्स की जगह जब बीटा पुट करते हो आप, तो ये भी =0 के बराबर होगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरा चीज़ हम ये पढ़े थे कि जो भी रूट्स होते हैं उससे हम उसके फैक्टर पता कर सकते हैं, कैसे करके, तो उस इक्वेशन के बराबर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा पुट करके हम उसके फैक्टर पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमको कुछ जानना है कि इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या क्या चीज़ जान सकते हैं आगे सॉल्व करके, ओके। इससे हम जान सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, जब मेरे पास इक्वेशंस या क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं, ओके। तो मेरा नाम है मृत्युंजय और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। तो आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं पिछले क्लास में पढ़ा था कि ax2 + bx + c बराबर, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और इसे मैं फैक्टर के रूप में भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ओके। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों ये जो फैक्टर है इसे सॉल्व करते हैं, ओके। सॉल्व करना आपको आता होगा, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये हो जाएगा x² - β x, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखिए, माइनस अल्फा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब आगे x² देखिए, यहाँ पे x कॉमन है और माइनस कॉमन है, मैं दोनों कॉमन ले लूँ, माइनस इसमें क्या बच जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, सही है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही इतना बचा। अब एक चीज मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे दो चीजें आई हैं, एक आया अल्फा प्लस बीटा और एक आया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा, तो हम जान रहे थे कि हमारा जो रूट्स है वो मेरा क्या है, अल्फा कोमा बीटा, यही मेरा रूट्स था, 2 रूट्स थे।
उस रूट्स का ये सम दिया हुआ है, मतलब ये मेरा है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और ये मेरा है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड में है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मुझे ये जानना है कि इस सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या रिलेशन है इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ। ओके, तो हम इस डायरेक्ट कैसे करके, अगर मुझे कोई सम ऑफ रूट्स दे दिया और कोई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया, उससे हम डायरेक्ट कैसे इक्वेशन हम बना सकते हैं, या फिर मुझे कोई दोनों रूट्स दे दिए तो उससे मैं कैसे डायरेक्ट इक्वेशन बना सकता हूँ। ओके, मतलब कैसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ला सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको इससे कंपेयर करके मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों का वैल्यू निकालूंगा कि क्या हो सकता है उसका मान। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है, ये मैं क्यों कंपेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशियंट कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, ए है, तो इसको हमको 1 बनाना पड़ेगा, मतलब पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को मुझे जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मेरा कहना है कि ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूं, जब ए से डिवाइड करूंगा तो सारे ए एक्स स्क्वायर बाय ए, बी एक्स बाय ए और सी बाय ए दोनों कटेंगे, तो ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे मेरा, जब आप डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर 0, समझ गए। अब क्या करना है मुझे, ये वाला जो हम लाए थे जिसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है उसको, और नीचे जो हम लोग लाए हैं उस दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है, 1 है, यहाँ एक्स कोफिशियंट क्या है, ये पूरा, ठीक है, और यहाँ एक्स कोफिशियंट क्या है, ये वाला है, यहाँ क्या है बताइए, ये क्या है हमारा, यहाँ क्यों ये एक्स है, वेरिएबल नहीं है ना इसमें, यहाँ एक्स था, ये मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट मेरा क्या है, सी बाय ए, ये दोनों कंपेयर करेंगे, मतलब ये एक्स कोफिशिएंट कितना है और यहाँ कितना है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ये अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके एक्स कोफिशिएंट के बराबर, मतलब बी बाय ए, तो यहाँ से मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी बाय ए, और यहाँ जब इस दोनों को कंपेयर करूंगा यहाँ से मेरा अल्फा बीटा क्या आ गया, सी बाय ए। इतना सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, हो गया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। देखिए देखिए अभी हम क्या पढ़ें, हम ये देखें कि जब हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, वो मेरा होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर आ गया, याद है ना, माइनस बी बाय ए के बराबर, और दूसरा मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो मेरा आ गया सी बाय ए के बराबर। अब आप कहोगे सर इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन ले ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ रहेगा कि क्वेश्चन जैसे आपको दिया रहेगा इफ, ठीक है, इफ सम ऑफ रूट्स बराबर 6 दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आपको 5 दे दिया, देन पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगे, हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो आपको पूछ रहा है क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम फॉर्मूला या फिर हम के इक्वेशन लाए थे सम ऑफ रूट्स और उसके रूप में, तो वो था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर मेरा क्या आया था, 0। तो हम जान रहे हैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से मेरा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 6,
और अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है आपको, 5, यही दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 5 बराबर 0। ये जो है मेरा, ये मेरा अप्रोप्रिएट क्या हो गया, इक्वेशन हो गया जो मुझे चाहिए था, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। एक तो ये हो गया, आप इसको ध्यान में दोगे, ठीक है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, हम उस पर आ रहे हैं, ओके, धीरे धीरे करके। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। अगर बोल दिया इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, 5x² ठीक है माइनस 10x, या प्लस 10x ही रहने दीजिए, प्लस 15 बराबर 0 दे दिया, ओके। आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता करना है, ओके। तो अब कैसे बनाएंगे इसे हम, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है बताइए, 5x² प्लस 10x प्लस 15 बराबर 0। ये जो 5 है ये मेरा क्या है, ए है, ठीक है। ये जो 10 है मेरा क्या है, बी है। और ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, सी है। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हमने क्या देखा था, माइनस बी बाई, तो माइनस बी मेरा कितना है, 10, ए कितना है, 5, ये मेरा हो गया -2। फिर अल्फा बीटा बराबर क्या आया था आपका, सी बाय ए, सी 15 बटे ए 5, क्या आ गया, 3। अब आपको पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपका होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है ना। और इसमें पूछ क्या रहा है आपको, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, इसमें पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इस दोनों को पुट करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आया, ये आया -2, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना आया, 3। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 पुट कर सकता हूँ मैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया आपका, यहाँ से देखिए 3 आया है, यह आ गया 2 2 ना, यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 2 ना 4, -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 3 6। जब यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 6 बराबर क्या आ गया, -2। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ओके, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हम इसी तरह से, हम अल्फा बीटा के एप्लीकेशन से हम बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब आप देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे निकालने आना चाहिए, और उस अल्फा बीटा के वैल्यू से हम आगे और भी ढेर सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसको कि आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ सकता है, फिर अल्फा और बीटा का स्क्वायर पूछ सकता है, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा पूछ सकता है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे। इसको हम क्या करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, पहले मैं आपको इन इक्वेशन, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3ab², या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab × a + b। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशंस हैं। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो पहले मैं आपको ये सारे फॉर्मूलाज बता दूंगा, अलजेब्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं, और उस अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को यूज करते हुए नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, ताकि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं उसके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको आते हैं SSC के प्री और मेंस दोनों में, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और हम इस इन्हीं चीज़ों के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं, फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, और
उस क्लास में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, सेफ रहिए।